ఇవాల్టు రైతుల పోరాటం ముగియనుంది సింగ్ టెక్రీ సరిహద్దుల్లో విజయ ఉత్సవ ర్యాలీలు నిర్వహిస్తున్నారు రైతు వితిరేక చట్టాలపై ఏడాది నుంచి నిరసన తెలిపిన రైతులు చట్టాలు ఉపసంహరించుకునే వరకు పోరాటం కొనసాగించారు ఇవాల్టు సరిహద్దుల దిగ్బంధం ముగియటంతో రైతులు తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళనున్నారు ఇప్పటికే టెంట్లు గూడారాలు వేదికల్ని తొలగించారు కార్మిక కర్షక ఐక్యతతోనే ఈ విజయం సాధించామని రైతులు ప్రకటించారు ఈ విజయం భవిష్యత్ పోరాటాలకు దిక్సూచిగా ఉంటుందన్నారు రైతు నేతలు సరిహద్దుల్లో రైతులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు డాన్స్లు చేస్తూ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు ఏడాది కాలంగా ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో ఉద్యమం నడిపిన రైతులు భావోద్వేగానికి గురవుతున్నారు देखिए जो आज की जीत है ये पूरे देश की जीत है मैं कहूंगा कि ये तो यहां भी अगर हम ये भी कह दें कि ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है सबसे बड़ी बात ये है दूसरी बात है कि एक अहंकारी की को हम लोगों ने झुकाने का काम किया है ये जीत बहुत इम्पोर्टेंस रखती है हमारे देश के पूरे देश के लिए क्योंकि जब कहा जाता था मोदी है तो सब मुमकिन है मोदी ने क्या कुछ लेकर आया जी जीएसटी लेकर आया पीछे नहीं हटा नोटबंदी लेकर आया पीछे नहीं हटा अगर 370 धारा तोड़ी पीछे नहीं हटा सीएए लेकर आया पीछे नहीं हटा लेकिन एक उसकी इमेज बन गई थी कि मोदी जो करता पीछे नहीं हटता लेकिन इस आंदोलन ने ये साबित करता कि अगर दृढ़ इरादे से लोग लड़ने के लिए तैयार हो और पीछे ना हटने की सोच बनाकर आ जाए तो मोदी क्या मोदी से बड़ा भी कोई आ जाए उसे भी झुकना पड़ेगा पीछे हटना पड़ेगा सबसे पहले हम परिवारों को मिलेंगे जो एक साल हो गया वकबा हो गया बच्चों से उनसे साथ खुशी सांझी करेंगे जो लोग हमारा साथ देते रहे उनके साथ भी खुशी सांझी करेंगे ये सबसे सबसे सबको खुशी है पंजाब में देखो जब कोई भी संघर्ष चलता है उसमें कोई नुकसान भी होता है फायदा भी होता है जब फायदा लेना है तो नुकसान तो होगा ही इसलिए हमको जो आर्थिक नुकसान है वो तो गया भूल क्योंकि तो हम जहाँ जीत कर चले हैं लेकिन फिर भी जो शहीद हो गए जहाँ 750 किसान वो हमको सदा याद रहेंगे जब भी आंदोलन की याद आएगी उनको याद किया जाएगा ये सच्चे पातशाह ने बहुत कृपा की है जी गुरु पातशाह ने सारे पंजाब नु खुशी है जी इस चीज की हरियाणा नु खुशी है यूपी नु खुशी है सारा इंडिया ही खुश है जी अज बहुत खुशी है सानू यह कानून वहां से खुशी आई खुशी मना रहे हैं अभी किसान आंदोलन जीत गया आज तानाशाही सरकार ने घुटने टेक दिया हमारी आज दिवाली बनेगी आखिरी दिन है हमारा खूब जश्न होगा हमारे हमारी जीत हुई है आज हमने कर दिखाया कि तानाशाही सरकार के भी घुटने टिकवाए जा सकते हैं किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद आज के दिन एक साल और 15 दिन के संघर्ष के बाद किसान अपने घर जा रहे हैं जो लोग विश्व में कह रहे थे कि भारत विश्व गुरु है तो किसानों ने दोबारा से भारत का विश्व गुरु बना दिया